यू नो ना जीटी में काम चल रहा है ना थार में काम चल रहा है, हम लोग कोई भी इवेंट करते हैं वहाँ पर बाउंसर सिक्योरिटी बैठ ही नहीं पाती ना उतर पाती है। सो मेरा सबसे पहला ऑप्शन गाइस ये लेजेंडर है, चेक दिस आउट, क्या मस्त लग रही है यहाँ आगे से भी सेक्सी है। हेलो जी, की हाल चाल? तो आज बात कर लेते हैं UK07 राइडर की न्यू फॉर्च्यूनर के बारे में। तो आज के व्लॉग में वो फॉर्च्यूनर के शोरूम में गए हुए थे और उन्होंने फॉर्च्यूनर देखी, उसके साथ एक और उनको पसंद आ चुकी है। वो देखने से पहले अगर हमारे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, उनकी व्लॉग की छोटी सी क्लिप है देख लो उनको क्या पसंद आया। पहुंच चुके थे गाइस शोरूम और ये मेरा फर्स्ट टाइम है गाइस फॉर्च्यूनर को सामने से देखने के लिए। ये फॉर्च्यूनर लेजेंडर है एंड उधर नॉर्मल फॉर्च्यूनर खड़ी है एंड इधर हाइलेक्स भी खड़ी है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, व्हेन आई वाज कमिंग हियर मैं सोच रहा था कि यू नो फॉर्च्यूनर अवेलेबल होगी लाइक कुछ दिनों की डिलीवरी के लिए, बिकॉज द थिंग इज गाइस फॉर्च्यूनर की ना बहुत जरूरत है। यू नो ना जीटी में काम चल रहा है ना थार में काम चल रहा है, हम लोग कोई भी इवेंट करते हैं वहाँ पर बाउंसर सिक्योरिटी बैठ ही नहीं पाती ना उतर पाती है। सो मेरा सबसे पहला ऑप्शन गाइस ये लेजेंडर है, चेक दिस आउट, क्या मस्त लग रही है यहाँ आगे से भी सेक्सी है गाइस और पीछे से भी सेक्सी है। बेसिकली फॉर्च्यूनर का ये लेजेंडर है, ये ऑन रोड पड़ रही है कुछ अराउंड लाइक 56 की, विच इज़ लाइक ओके बहुत सही प्राइस में मिल रही है। बट इसका लुक बहुत मस्त लग रहा है। हेयर इज मम्मी, कैसी लग रही है मम्मी गाड़ी है बताओ, मस्त लग रही है। एक एक है हाइलेक्स भी खड़ी है क्या गाइस 4x4 ट्रक है, पीछे ना आराम से दोनों सुपर बाइक्स भी लोड हो जाएंगे। मैं आपको चेक कराता हूं, मैं हाइलेक्स ना सामने से देख रहा हूं, ये चेक करो इसके पीछे कितना स्पेस है भाई। इसके पीछे आराम से अगर हम लोग H2 भी लोड करना चाहें और S1000 भी या BMW या एको कुछ भी लोड करना चाहें आराम से लोड हो जाएगी। ये भी एक बेटर ऑप्शन है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।